10 चीज़ें जो आप जापान के बारे में नहीं जानते होंगे। जापान के बारे में ये बातें जानकर आप चौंक सकते हैं। क्या आप जापान कभी घूमने गए हो? अगर नहीं तो फिर तो आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। आपको बता दें कि अन्य कई देशों से हटकर जापान एक द्वीपीय देश है। इसी वजह से जापान की संस्कृति और कई देशों के मुकाबले काफ़ी बदली हुई सी लगती है। यहाँ शहरी क्षेत्र बहुत जनसंख्या वाले और गांव के क्षेत्र कम जनसंख्या वाले होने की वजह से देश में विभिन्न स्थानों की विशेषताओं के आधार पर विविधता दिखाई देती है। जापान के लोग बहुत अनुशासित पाए जाते हैं। शायद यही वजह है कि जापान एक लगातार विकास की ओर बढ़ता हुआ देश है। आइए जानते हैं ऐसे अलग और विविध देश के बारे में कई अनसुने किस्से और तथ्य। नंबर एक, टोक्यो पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। जापान वैसे तो दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देशों में टॉप लिस्ट में नहीं आता, लेकिन इसकी राजधानी टोक्यो ने दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले शहर के रूप में पहला मुकाम हासिल कर रखा है। 2015 की टोक्यो की जनसंख्या 92.7 लाख है। जापान की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ का जनसंख्या घनत्व 340 पर किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि केवल टोक्यो का घनत्व 6200 पर किलोमीटर स्क्वायर पहुंच जाता है। यही वजह है कि यहाँ की जनसंख्या की वजह से यहाँ रहना बदतर है। टोक्यो की जनसंख्या के लगातार बढ़ने की वजह यहाँ एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज का होना, शहर का स्टेटस फैशन के लिए प्रसिद्ध होना, यूनिवर्सिटीज और जॉब्स का होना आदि है, जिससे देश के चारों ओर से लोग यहाँ रहने आते हैं। नंबर दो, यात्रियों को धक्का देने वाले कर्मचारी। आपने शायद मुश्किल से ऐसा होते हुए कहीं देखा हो, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनी ट्रेनों का साइज इतना नहीं होता कि लोगों को अंदर संभाले। यहाँ अक्सर रेलवे क्षमता से दुगने अधिभारित होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग गाड़ी की विंडोज पे मुंह चिपका चिपका के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। जो लोग अपने खुद की ताकत के इस्तेमाल से अंदर घुस जाते हैं तो ठीक है, लेकिन जो नहीं घुस पाते उन्हें पीछे से कर्मचारियों द्वारा धक्का देकर घुसेड़ा जाता है। अब आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसी ट्रेनों में लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा और लंबे सफर के दौरान इनकी क्या हालत होती होगी। इंडियन उत्तर प्रदेश की ट्रेनों का भी हाल बुरा है। अगर आप इंडिया से हैं तो शायद आपको पता होगा कि यहाँ कैसे लोग छतों पर बैठकर सफर करते हैं। जापान की ट्रेनों की बदतरता इन इंडियन उत्तर प्रदेश की ट्रेनों से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है। नंबर तीन, वेंडिंग मशीनों से बहुत बड़ा कारोबार। जापान में सबसे पहले वेंडिंग मशीनों से सिगरेट बिका करती थी। आज इन मशीनों से मैगजीन, फ्लावर्स, ड्रिंक्स, सेक्स टॉयज और संपूर्ण खाने का सामान खरीदा जा सकता है। ये अपने आप से बेचने वाली मशीनों की संस्कृति जापान में ज्यादा विस्तृत है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा अगर मैं कहूं कि यहाँ हर गली में एक वेंडिंग मशीन कुछ ना कुछ बेच रही है और गिनती के हिसाब से लगभग 5.5 मिलियन मशीनें पूरे देश में काम कर रही है। इन मशीनों में केवल आपको क्वाइन या टिकट डालने की जरूरत होती है और वस्तु खुद ब खुद आपके हाथ लग जाती है, और इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती बल्कि ये खुद ब खुद कार्य करती है। नंबर चार, कम क्राइम रेट वाला देश। ये गुण देश को महानतम देश बना देता है। कई देशों के मुकाबले जापान में क्राइम रेट ना के बराबर है। जापान एशिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। हो सके तो जापान में शरण ले लो भाई साहब, किसी को भी जिसे अपने देश में असुरक्षित महसूस होता हो। जापान का टोक्यो जैसा भीड़ भाड़ वाला शहर भी बिल्कुल ना के बराबर क्राइम रेट दिखाने के लिए जाना जाता है। ऐना कमाल की बात, सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में जापान का स्थान 26वां आता है। नंबर पाँच, बेसबॉल जापान का सबसे पसंदीदा खेल है। वैसे तो बेसबॉल को अमेरिकन खेल समझा जाता है, लेकिन जापानी लोग भी इस खेल से प्यार करते हैं। जापान के स्पोर्ट्स फैंस की बात करें तो लगभग 1/3 स्पोर्ट्स फैन बेसबॉल का खेल अधिक पसंद करते हैं। बेसबॉल प्रीमियम में अधिक उम्र के लोग ज्यादा हैं कम उम्र के लोगों के मुकाबले। बेसबॉल का खेल जापान में 1872 में आया, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से लोकप्रिय होना शुरू हो गया और लोगों ने इसे अपना लिया। वैसे तो जापान का राष्ट्रीय खेल सुमो रेसलिंग है, ये भी प्रसिद्ध है। अन्य स्पोर्ट्स में मार्शल आर्ट, टेनिस आदि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध स्पोर्ट्स हैं। नंबर छह, रेस्टोरेंट और बार्स में बैठने की फीस चुकानी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि दुनिया के कई देशों में आप लगभग किसी भी बार या रेस्टोरेंट में बिना कोई बैठने की फीस चुकाए खा भी सकते हैं, लेकिन जापान में बहुत अधिक मात्रा में रेस्टोरेंट और बार्स हैं जो केवल बैठने का चार्ज करते हैं। इसलिए आप जब कभी जापान जाएं तो वहां कहीं भी बैठने से पहले मालूम कर ले कि इसका कोई चार्ज तो नहीं लगता। ये उनका पैसा कमाने का अच्छा तरीका है, जिसे आप भी अपना सकते हो अगर हो सके तो। नंबर सात, आपको अपने जूते उतारने होते हैं।
दुनिया के ज्यादातर देशों में आप रेस्टोरेंट या जिम वगैरह में जूते पहनकर प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन जापान थोड़ा अटकर है। यहाँ आपको मंदिर के साथ साथ रेस्टोरेंट, कई स्टोर्स और जिम में भी जूते उतारने पड़ते हैं। जूते, चप्पल या सैंडल कुछ भी क्यों ना हो, नहीं चलेगा, लेकिन आप अंदर पहने जाने वाले शूज, चप्पल या सैंडल को पहनकर अंदर जा सकते हैं। अंदर पहने जाने वाले शूज, चप्पल या सैंडल की बनावट थोड़ी अलग हो सकती है, जिसे पहनकर बाहर नहीं जाया जा सकता। नंबर 8, रेस्टोरेंट भी थोड़ा हटके। जापान के रेस्टोरेंट की कुछ बातें बड़ी अलग होती हैं, जैसे कि सर्वर आपका बिल या पेमेंट के लिए आपके पास नहीं आएगा, बल्कि आपको रेस्टोरेंट के सामने खुद जाकर पेमेंट करना होगा। जहाँ अमेरिका में सर्वर को चिल्लाकर बुलाने को गलत समझा जाता है, जापान में आप सर्वर को चिल्लाकर बुलाते हुए अपने आप के कूल होने को जाहिर करते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि जापान के रेस्टोरेंट में आपको घुसने के लिए जूते या चप्पल को निकालना पड़ेगा, जो दुनिया के ज़्यादातर रेस्टोरेंट में नहीं होता। नंबर 9, जापानीज औरतें अपने दांतों को काला करवाती हैं। शादियों से दांतों का काला कराना जापानीज औरतों के लिए एक आम बात हुआ करती थी। इसे ओहा गुरु बोला जाता है। ये महिलाओं को सुंदर बनाने के साथ साथ विभिन्न दांतों की समस्याओं से उनकी रक्षा करता है। शादीशुदा महिलाएं अपने दांत काले करवाने के लिए ज्यादा ही उत्सुक रहती हैं कुंवारी लड़कियों के मुकाबले। लेकिन इस अभ्यास पर 19वीं शताब्दी में जापान को और अधिक आधुनिक बनाने के लिए बैन लगा दिया गया। नंबर 10, घोड़े का मांस खाना बहुत ही आम बात है। 16वीं शताब्दी के अंत में जापान में घोड़े का मांस खाया जाता है। इसका इस्तेमाल खाने में 1960 में ज्यादा बढ़ा। यही कारण है कि बाद में घोड़े खेती के लिए या एक जगह से दूसरे स्थान तक सामान ले जाने के लिए दिखने बंद हो गए। ये पका हुआ और कच्चा दोनों तरह से खाया जाता है। कच्चा मांस सोया सॉस के साथ खाया जाता है, जिसे बसेशी बोलते हैं। हॉर्स मीट को जापान में ज़कुरा निकू कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाल होते हैं। इसके अधिक लाल होने की वजह इसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन की बड़ी मात्रा होती है। तो दोस्तों, ये थे जापान के कुछ अनसुने तथ्य और किस्से। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो कृपया करके हमारे चैनल सिक्स सेंस को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।